तो कहाँ पे थे कि जॉब होल्डर्स जो जॉब से शिफ्ट होना चाह रहे हैं बिजनेस की तरफ, या साथ में जॉब के साथ साथ वो अपना एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तुझे वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड, स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न हाई इन डिमांड स्किल, जो स्टूडेंट लाइक मैट्रिक कर रहे हैं, एफएससी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं वो उसके साथ साथ एक स्किल को सीख के तो वो भी अर्न कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू सेल ऑन अमेजोन, वो लोग जो जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है और वो खुद बिजनेस करना चाहते हैं, वो भी अमेजोन पे अपना सेलर सेंटर अकाउंट बना के उस पे सेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। और उसे बेहतर ये है कि फीमेल्स जो हैं वो कैन अर्न मनी बाय सिटिंग होम इन फ्लेक्सिबल टाइम। आज के दौर में जो है फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल चीज होती है कि उनको घर से बाहर जाके जॉब करनी पड़ती है। एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में तो कुछ फीमेल्स के लिए इश्यूज होते हैं, या कुछ फीमेल्स जो होते हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती मेल सोसाइटी में जाके काम करने में। तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है कि वो घर में बैठ के साथ में अपने घर को भी चला सकती हैं, और उसके साथ साथ बीए का कोर्स करके घर में अपना अर्न भी कर सकती हैं। काफी मेरे साथ इर्द गिर्द मिसालें हैं कि ऐसी फीमेल जिनकी अच्छी खासी एजुकेशन है लेकिन वो जॉब्स नहीं कर रही, या कुछ लोगों की फैमिली अलाउ नहीं करती बाहर जॉब करना, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है कि वो घर में ही बैठ के अपने एक इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है, आपको आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? एक बता दे, आपको क्लियर आवाज आ रही है? जी ठीक आ रही। ठीक है, तो ठीक है। अब जो मोस्टली लोगों का ये सवाल था कि एक वर्चुअल असिस्टेंट करेगा क्या और उसका काम क्या होता है, नाम ही सुना हुआ है कि वर्चुअल असिस्टेंट, लोगों को समझ नहीं थी कि ये काम क्या है वर्चुअल असिस्टेंट का। तो असल में वर्चुअल का मीन होता है अब दूर बैठे हो। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर बिजनेस फ्रॉम रिमोट लोकेशन, मीन आप दूर बैठे हुए अपने घर में बैठ के एक बंदा यूएस से यूके में बैठा आप उसको अपनी सर्विसेज दे के उसका अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो अमेजोन का हो या कोई और बिजनेस हो, आपका उसको ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट होना चाहिए। अब ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स होता है, ये काम है, ये किस तरह का होता है? ये एक तो ये स्किल बेस्ड वर्क है, अमेजोन का कोर्स सीखना भी एक स्किल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास तो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कैसे करूंगा? तो जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है वो अपनी जो सर्विसेज दे सकते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि अमेजोन में कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, आप किन किन सर्विसेज जनरेट कर सकते हैं। तो मीन जिन जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है वो कर सकता है, घर से आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि फ्लेक्सिबल टाइम, मीन आप जब भी जब आप फ्री हो, चाहे कोई जॉब कर रहा है तो वो 5 बजे के बाद फ्री होके 5 के बाद भी काम कर सकता है, टास्क मिलता है आप उसको कंप्लीट करें और उसके बाद आप जो मर्जी काम करें, आप 2-4 घंटे दे के भी अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, 2-3 मंथ, क्योंकि आप चीजें सीख रहे होते हैं। जब आप कुछ चीजें सीख लेते हैं, आप हैंड टू प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो देन आपके लिए आप ज्यादा टाइम नहीं देते, आप 4 से 5 घंटे मैक्सिमम 6 घंटे में आप इन चीजों को कवर कर लेते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है, और फ्यूचर भी इसी चीज का है। लाइक आपने देखा कोरोना में जिनकी फिजिकल जॉब्स थी उनकी, मोस्टली लोगों की फिजिकल जॉब्स चली गई, तो लेकिन जो ऑनलाइन काम जिनको आता था, और इस सबसे ज्यादा उन लोगों ने ये कोविड के टाइम में कमाया। लाइक अमेजोन जो खुद एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसने खुद 2019-20 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, और 2020 में दुनिया के पहले नंबर पे जिसका ऑनर है जेफ बेजोस, पहले नंबर का दुनिया का अमीर तरीन पहला बंदा है, ये 2020 के जो स्टैट्स है। आगे ई कॉमर्स, कॉमर्स वो होता है कि जो आजकल हम फिजिकल बिजनेस कर रहे थे। ई कॉमर्स क्या होता है? ई मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, या आप कहते हैं कि इंटरनेट कॉमर्स है। तो इसमें आप क्या ऑनलाइन बैठ के आप चीजें बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। अब इसकी टाइप्स कितनी होती हैं ई कॉमर्स की? एक तो होता है बिजनेस टू बिजनेस, आप क्या एक किसी बिजनेस वाले से ही लेके आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने लेते हैं। लाइक जो अली बाबा है,
ये क्या करता है, बल्क में चीजें मैन्युफैक्चर करके, और जो बिजनेस लोग करते हैं लाइक वो पाकिस्तान में कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में वो अलीबाबा से चीजें मैन्युफैक्चर करवाते हैं। लाइक ये बॉल पॉइंट है, तो बॉल पॉइंट आप बल्क में अलीबाबा से मैन्युफैक्चर करवा के आप आगे सेल कर सकते हैं। एक ही होता है B2B, दूसरा होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। लाइक आपने एक बिजनेस वाला जो बंदा है आगे कस्टमर को या कंज्यूमर को सेल कर रहा है, उनको अपनी सर्विसेज दे रहा है, उनको सेल कर रहा है। तो लाइक जैसे हम अगर अमेजोन पे बिजनेस करते हैं तो हम बिजनेस कर रहे होंगे, आगे जो कस्टमर हैं वो हमसे परचेज कर रहे होंगे। तो ये क्या टाइप होगी, बिजनेस टू कंज्यूमर। लाइक अमेजोन है पाकिस्तान में, द्राज है, और ईबे पे, वॉलमार्ट पे, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, हम इन पे बैठ के B2C करेंगे और यही हम इसमें सर्विसेज देंगे। अगर कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी एक टाइप है, तो उसमें एक जो बंदा है, एक कस्टमर बंदा है, वो लेके दूसरे को दे देता है, तो वो ये एक भी C2C है। लेकिन जो ऊपर वाली दो हैं B2B और B2C, ये सबसे ज्यादा फेमस है और ये ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। आगे इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी है, अमेजोन जो है वो पहले नंबर पे है, और वॉलमार्ट है एक, वो भी एक सप्लायर है, आपको उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ईबे है, सैम्स क्लब है, एटसी है, होम डिपो है, और पाकिस्तान में जो दराज है, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। अब रीजन ये है कि अमेजोन को ही चूज क्यों करेंगे या अमेजोन पे ही काम क्यों करेंगे। अब में से सब लोग मुझे बताएं कि आपने दराज पे या ऑनलाइन शॉपिंग कितने लोगों ने की है आज तक, तो बताएगा मुझे कि किसी ने शॉपिंग की हो दराज पे या ऑनलाइन किसी ने शॉपिंग की हो। आई थिंक 95% 99% लोगों ने आज तक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की होगी। रीजन क्यों आया है, रीजन ये है कि लोग जो है ना वो ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते। अब जैसे कि आप दराज पे बहुत सारे केसेस आते हैं कि आपने ऑर्डर कुछ किया होता है और आगे से कुछ और निकल आता है, तो मीन लोग क्या है वो ट्रस्ट ही नहीं करते कि हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाएंगे जो हमें फोटो में नजर आ रही है वही आगे रियल में हमें एक जेन्युइन ओरिजिनल चीज मिलेगी, तो लोग जो है ना इस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। अब अमेजोन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट कैसे बनी, जैसे कि मैंने कभी बताया कि इशू था कि लोगों का कि वो परचेजिंग करते हुए ट्रस्ट नहीं करते थे। लाइक आप वाल इसके दराज से चीज खरीदें, आपको कोई प्रोडक्ट आपने और ऑर्डर किया है, मिला आपको और गई है, आप अगर कंप्लेन करेंगे तो आपको ना तो आपके पैसे मिलेंगे ना ही, और आपकी कंप्लेन का वो सही तरह से चेक करेंगे, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं लोगों को ट्रस्ट नहीं था। अब अमेजोन ने क्या किया है कि उन्होंने एक सर्वे करके उन्होंने अमेजोन में चीजें इंट्रोड्यूस करवाई कि वो कहते हैं कस्टमर इज किंग। अब अमेजोन में क्या होता है कि आपने अगर कोई चीज खरीदी है तो उसमें कोई इशू आ जाता है तो आप 30 डेज में वापस कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैंने पैसे लेने हैं, आपने जस्ट एक सिंपल कहना है कि रिफंड, आपको उसी टाइम रिफंड मिल जाता है। अमेजोन आपसे ये नहीं पूछेगा या आप ये भी नहीं होगा कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जस्ट आपने कहना आपका उसी टाइम काम हो जाता है। तो इसलिए लोग जो है ना उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो कस्टमर को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, तो लोग इसलिए इस पे रिलाई करते हैं। और दुनिया के इस टाइम 190 119 कंट्रीज में अमेजोन ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान में भी हम परचेज नहीं कर सकते लेकिन सेल कर सकते हैं, ये 2021 अगस्त से ये हमें अलाउ हुआ था। अब ये आपको 2020 का स्टैट बता रहा हूँ, 2017 से देखें, 2017 में इसका जो स्टैट था 1,70,886 866 डॉलर, ये उसका रेवेन्यू था 2017 में। 18 में देख लें इंक्रीज होकर 2,32,000 हो गया, 2019 में 2,80,000 हो गया, और 2020 में इसने सबसे ज्यादा कमाया था वो 3,86,064 US डॉलर इसने का जो सेलिंग हुई थी इस पे। तो इसलिए जो है इसको सबसे बड़ी मार्केट प्लेस कहा जाता है अमेजोन का। ये एक बड़ा जाइंट है, इतना बड़ा जाइंट है कि अगर पूरा पाकिस्तान भी इस पे सेल करने लग जाए, पूरे पाकिस्तान के व्यूअर्स भी इकट्ठे हो जाएं, तो अमेजोन का जो कंपटीशन, अमेजोन की जो मार्केट है उस पे वो पूरा नहीं उतर सकते। मीन इतना बड़ा ये जाइंट है अमेजोन। कुछ लोग आपको कहेंगे कि नहीं, हर जगह पे VA निकल आए हैं, बंदा बंदे ने VA का कोर्स किया हुआ है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं कि इतना पोटेंशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा पाकिस्तान भी लग जाए तो इसको नहीं कम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जो है ना अमेजोन को ज्यादा प्रेफर करते हैं।
बाकी भी हैं, लाइक मैंने आपको बताया वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब हैं, ये सारे हैं, लेकिन हम अमेजोन को फोकस करते हैं क्योंकि अगर हम सेलिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम अपनी सर्विसेज भी देंगे तो हमें अच्छा खासा जो ये है वो अर्न कर सकता है, इतना अर्न कर सकता है कि जो ये 9 to 5 आप लोग काम करते हो उनसे भी आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, आप फ्लेक्सिबल टाइम। अब मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के बारे में बता देता हूँ, ये एक चार्ट है। आपकी आवाज आ रही है मोहम्मद शहजाद, आप अपना म्यूट करें। अच्छा तो चार टाइटल ये है, तो चार टाइटल आप देखें, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है अमेरिका है, इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग और परचेज होती है। 66% जो रेवेन्यू है अमेजोन का वो यूएसए से आता है, यूनाइटेड स्टेट से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए जो मोस्टली पाकिस्तानी है वो अपनी सर्विस यूएसए में या अपना बिजनेस भी करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो वो यूएसए में ही कर रहे हैं। सेकेंड उसके बाद आप देखें 11% ये जर्मनी है, जर्मनी सेकेंड बार कीट है जहाँ से अमेजोन का रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पे ये 8% यूके है, और देन 8% जापान है, और बाकी जो दुनिया बाकी जो कंट्रीज हैं लाइक यूएई है, इंडिया है, जापान के अलावा फ्रांस है, ये सारे जो हैं इटली, इनमें इनका जो बाकी जो 116-117 कंट्रीज है उनमें उसका 77% रेवेन्यू है। तो इसलिए हम जो है अमेजोन पे जो ज़्यादा चीज़ें पड़ेंगे वो यूएसए में, यूएसए का क्राइटेरिया और यूनाइटेड स्टेट्स में जो चीज़ें होती हैं हम उनको फॉलो करके उस हिसाब से हम स्पोर्ट्स को लेकर चलेंगे। और सेकंड नंबर पे हमारी प्रियोरिटी होगी यूके, तो हम इन दो मार्केट प्लेसेस पे स्पोर्ट्स में बात करेंगे, यूएसए के बारे में भी और यूके के बारे में। हमारा लेकिन ज़्यादा फोकस जो होगा वो यूएसए पे होगा। अब इस पे मॉडल्स कितने होते हैं, तीन तरह के इस पे बेसिकली मॉडल्स होते हैं, एक होता है प्राइवेट लेबल, सेकंड होता है होलसेल, और थर्ड होता है ड्रॉप शिपिंग। अब इनको मैं वन बाई आपको बताता हूँ। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि मीन आपके हाथ में मोबाइल्स है, उसके पास आपके पास लैपटॉप है, तो मीन जो भी मोबाइल है आप जो भी आपका नाम है ब्रांड लॉन्च करना चाहें तो आप कोई भी उसको नाम दे के आप उसको बल्क में बनवा के तो आप उसको अपना एक नाम दे सकते हैं और अपना एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। तो ये तो वो उनके लिए है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन जो सर अब ये है वो क्या करेगा, मीन क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है या वो अपने सर्विस दे के इन्वेस्टमेंट बिल्ड करेंगे तो उनका क्या काम होगा। अब उसमें टास्क क्या होते हैं, प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट हंटिंग होती है, लाइक मोबाइल्स हैं आपके हाथ में, हमने देखना है कितने मोबाइल में कौन सा मोबाइल ऐसा है जिसमें हमें मुझे मिनिमम 15% मिल रहा है, तो आप प्रोडक्ट जो है वो हंट करेंगे, इतने हज़ारों मोबाइल दिए होंगे अमेजोन पे, आप उनमें से सर्च करेंगे कि मुझे जो है कौन सा मैं ऐसा मोबाइल लगाऊं सेल करूं जो मुझे प्रॉफिट अच्छा दे, जिसकी सेल्स अच्छी हों और मैं जिससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकूं, इसे कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। तो ये जो एक वीए का काम है वो एक वीए करेगा, प्रोडक्ट हंटिंग करेगा और अपना जो क्लाइंट है उसको हंट करके प्रोडक्ट्स देगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट हंटिंग्स की भी आगे वो जो रखते हैं, एक प्रोडक्ट अगर आप वो कह देता है कि आप एक प्रोडक्ट ढूंढ के मुझे दो, आप एक उसके अलग चार्जेस होते हैं, या कुछ लोग आपको मंथली बेसिस पर रख लेते हैं, वो कहते हैं कि जैसे आपने प्रोडक्ट हंटिंग करके देनी है तो वो आपको मंथली बेसिस पर रखते हैं। तो अब इसमें जो मंथली कितना होता है, ऑलमोस्ट जो पाकिस्तानी वो 20,000 से मिनिमम स्टार्ट करते हैं, 15 से 20 हज़ार में मिनिमम स्टार्ट करते हैं, या आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स के दौरान या कोर्स के फौरन बाद भी, आपको कहीं पे भी चांस मिलता है तो आप इतने इनेबल हो जाएंगे कि आप अपने 15 से 20 हज़ार पार्ट टाइम में आराम से कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है प्राइवेट लेबल में कि आपने प्रोडक्ट ढूंढी, देन आपको आपने उसको सोर्स करना होता है, वो आपने सोर्स किधर से करना होता है, प्राइवेट लेबल में हम जो चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो अलीबाबा से करवाते हैं, लाइक मैंने आपको B2B में बताया कि वहाँ से हम सोर्सिंग करेंगे चाइना से, चाइना से हम अगर यूएसए मार्केट में हैं तो यूएसए मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लेके आएंगे और वहाँ पे सेल करेंगे, अगर यूके में हैं तो अपनी हम जो प्रोडक्ट है वो यूके में रखवा देंगे। आगे यूजेज ऑफ टूल्स है,
अब हम डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए मैं देन आपको बताऊंगा, लाइक एक टूल का नाम है कीपा है, एक जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, तो इस तरह के मल्टीपल टूल्स हैं जिनको एक वीए यूज करता है, और वो हम इसको टूल का यूजेज पढ़ेंगे कि हमें किन क्राइटेरिया पे और इन टूल्स को कैसे यूज करना है और इनको हम किसी अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वीए इन टूल्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स ढूंढता है, आगे प्रोडक्ट लॉन्चिंग होती है। प्राइवेट लेवल पे आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, देन आपने उसको लॉन्च करना होता है। मीन प्रोडक्ट के आपने फोटो खींचनी होती हैं, वो भी उसके लिए भी लोग रखते हैं जिनकी फोटोग्राफी अच्छी होती है, वो लोग उनको रख लेते हैं फोटोग्राफी के लिए। वीए के अपना ये भी सर्विस दे सकता है, तो आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए फोटोग्राफी कर सकते हैं, और उस पर हमने नाम रखना होता है, टैग लगवाने होते हैं, पेटेंट करवाना होता है, ये सारी चीजें आप एक वीए ये चीजें सीख के भी आगे कर सकता है। तो लिस्टिंग, तो हमने एक कोई नई चीज को अमेजोन पे लिस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें अलग से एक लिस्ट बनानी होती है। मीन आपने एक नाम पूरा, एक आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी हो कि इस प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, इसके इतना वेट है, इसकी इतनी डायमेंशन है, इसके फलां फलां बेनिफिट है, ये फलां फलां लोगों के लिए यूज होता है। तो आपको थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी हो तो वो आपको लिस्टिंग के लिए भी हायर करते हैं एक वीए को, तो आप उसको लिस्टिंग बना के देते हैं, और उसमें प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन होती है, आपने उससे रैंकिंग करवानी होती है, आप एड चलाते हैं उस प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इन सारी चीज़ों पे, अमेजोन पे ही ऑप्शन होती है, वहाँ पे भी आप एड्स रन कर सकते हैं। तो मीन ये जो सारे काम होते हैं वो एक वीए के काम होते हैं, वीए सिस्टम का काम होता है, वो इन सारी चीज़ों को लेके चलता है, इन्वेस्टर खुद काम नहीं करता, वो हमेशा वीए को हायर करता है। आगे दूसरी चीज़ है होलसेल। प्राइवेट लेवल में तो आपने ये पढ़ा कि आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर दिया, आपने उस पर काम किया, लेकिन होलसेल में ये होता है कि आपने एक जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है उनसे आपने अप्रूवल लेनी होती है, अप्रूवल लेके आपने देन उनसे चीज़ परचेज करके आगे सेल करनी होती है। तो इन होलसेल यू सेल एन एग्जिस्टिंग ब्रांड, यू गेट अप्रूवल फ्रॉम ब्रांड्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स। आप उनसे इजाज़त लेते हैं, लाइक मोबाइल है आपका या किसी ने लैपटॉप हो, किसी का डेल या एचपी हो कोई भी, तो आप क्या करेंगे, आपको लाइक मिल गया मोबाइल या लैपटॉप, एक आपने कहा कि इसमें इतना प्रॉफिट है, तो आप उसके लिए उसका जो ब्रांड है, डेल है, एचपी है, वीवो मोबाइल है, फिनिक्स है, कोई भी है, आईफोन है, तो आप उनको एक ईमेल करेंगे कि मुझे आपकी प्रोडक्ट ये अच्छी लगी है तो मैं आपके इस प्रोडक्ट, ये शोर क्यों आ रहा है मोहम्मद इकबाल? अच्छा, तो आप इसमें देख उनको ईमेल करेंगे कि मुझे आपके प्रोडक्ट का अप्रूवल चाहिए, आप एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देंगे, उसे अप्रूवल लेंगे, मैं आपके प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ। तो ये एक रूल होता है, आप किसी के भी ब्रांड को, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप ऐसे बगैर पूछे यूज नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, तो आपने वो अप्रूवल लेना था होलसेल में। प्रोडक्ट हंटिंग, सब जो मॉडल्स हैं सब में ही है प्रोडक्ट हंटिंग। अब होलसेल में क्या होती है कि आपने ब्रांड सप्लायर से अप्रूवल्स लेने होते हैं, आपने की एक कंपनी होती है, आप उसको नाम बताते हैं कि मेरी ये कंपनी है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और आपको ब्रांड को ईमेल करते हैं, कॉलिंग भी करते हैं आप, ये होलसेल में होता है। अगर यूजेज ऑफ टूल्स, वही टूल आप यूज करते हैं, प्रोडक्ट आपका जब ब्रांड आपको अलाउ कर देता है, देन आप एक फाइनल एनालिसिस करते हैं प्रोडक्ट्स का, आपको प्रोडक्ट जो ब्रांड है वो शीट देता है कि मेरे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, वो हजारों की प्रोडक्ट्स में आपने अपने काम की एक दो प्रोडक्ट्स या जितनी भी ढूंढनी है वो आपसे कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस, वो भी एक वीए का ही काम होता है, उस प्रोडक्ट का एनालिसिस करके प्रोडक्ट को फाइनल करता है। फिर आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है ब्रांड से या सप्लायर से, कोई थर्ड पार्टी सप्लायर भी होते हैं ब्रांड से, आपने उनसे लेके वो आपने अमेजोन के वेयर हाउस में अमेजोन को भिजवानी होती है, तो ये भी वीए का ही टास्क होता है। देन आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, बिना प्रोडक्ट ऐड करते हैं, प्राइवेट लेवल की तरह आप लिस्टिंग नहीं करते, जैसे कि इसमें थोड़ा सा इजी काम होता है ये प्रोडक्ट लिस्टिंग का, क्योंकि ऑलरेडी इसमें लिस्टिंग बनी होती है ब्रांड की। तो आगे आपने जब लिस्टिंग कर देते हैं, देन आपको ऑर्डर आते हैं, आप ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं होलसेल में। आगे थर्ड चीज़ है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इनमें ये थोड़ा सा कम एक्टिव काम है, इसमें जस्ट आपने एक प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, और वो आप टूल के बगैर भी कर सकते हैं और आप टूल भी यूज़ करते हैं, जस्ट आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, वो बिल्कुल इजी मेथड है, और देन ऑर्डर प्रोसेस करने या कस्टमर सपोर्ट, मीन आपको किसी कस्टमर ने कहा मेरा ऑर्डर नहीं पहुंचा या ये इशू है या प्रोडक्ट खराब है, तो आप इस चीज़ों को मैनेज करेंगे, ए टू जी अकाउंट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। तो ये ड्रॉप शिपिंग में ये थोड़ा सा कम काम होता है एज कम्पेयर टू
होलसेल ड्रॉप और प्राइवेट लेबल, प्राइवेट लेबल में थोड़ा ज्यादा काम करना होता है, होलसेल में उससे थोड़ा कम, और ड्रॉप शिपिंग में उससे भी कम करना होता काम। तो ये बेसिकली तीन मॉडल्स हैं जिसपे जो अमेजोन पे ज्यादा काम करें। अब जो आगे नेक्स्ट चीज है कि FBA और एक FBM क्या होता है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अगर तो आप होलसेल कर रहे हैं मीना प्रोडक्ट जो, अगर FBA करना चाहते हैं तो आपको नाम से ही पता लग रहा है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो वो प्रोडक्ट जो है आप अमेजोन की तरफ भेजेंगे, वो अमेजोन जो आगे उसे शिपिंग और लेबलिंग करके कस्टमर के घर पहुंचाएगा। तो इसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उस ऑर्डर को अमेजोन ने फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, FBA मीन्स फुलफिल बाय अमेजोन, यू सेल इट वी शिप इट। मीन अमेजोन कहता है कि सेल आप करो, शिप हम करेंगे। तो विद FBA द सेलर स्टोर प्रोडक्ट्स इन अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर्स, मीन अमेजोन के जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं जिसे हम दूसरे वर्डों में वेयर हाउस भी कहते हैं, तो प्रोडक्ट आप वहां पर स्टोर करवाएंगे तो है देन अमेजोन विल पिक पैक एंड शिप दोज प्रोडक्ट्स को, अमेजोन खुद उनको पैक करेगा और शिप कर देगा आपके कस्टमर की तरफ जो आपको ऑर्डर करेगा। तो ये होता है FBA। आगे FBM क्या होता है कि आपने खुद ही सारी पैकेजिंग लेबलिंग शिपिंग और सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है। आप या तो अपने पास रखते हैं या आपके सप्लायर के पास ही पड़ा होता है तो आप उसको फुलफिल करते हैं। ये होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मीन जो सेल कर रहा होगा अमेजोन पे वो उसे खुद फुलफिल करेगा, जैसे हम दूसरे लफ्ज में FBM कहते हैं या हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो ये FBM होती है। अब हम जो इसमें कोर्स में करवाएंगे वो इसमें क्या होगा, इसमें ये पहले दो बैच के लिए कि ये बैच और एक नेक्स्ट बैच, इन इस दो बैच में ये इनको आपको एज होगा कि आप पहले दो बैच को हम होलसेल भी सिखाएंगे और ड्रॉप शिपिंग, ये दोनों चीज़ें 2 मंथ के कोर्स में सिखाएंगे। मोस्टली जो यहाँ पे मेन मार्केट में ये है कि वो एक स्पेसिफिक ले चीज़ को लेकर चलते हैं, या वो होलसेल करवा रहे हैं का कोर्स करवाते हैं या वो ड्रॉप शिपिंग का करवा रहे हैं, और इवन होलसेल के वो इतनी बारी बारी फीसेज ले रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग की अलग से वो फीसेज ले रहे हैं। लेकिन हम एक माकूल सी फीस में आपको 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में ये दोनों चीज़ें करवाएंगे, होलसेल भी आपको सिखाएंगे और ड्रॉप शिपिंग भी सिखाएंगे, और आपको एंड पे बताएंगे कि आप किस तरह से लेके चलो और आपके लिए कौन सा बेहतर है, होलसेल बेहतर है या ड्रॉप शिपिंग है, या आपके लिए ज़्यादा वायबल क्या है, या आप में से कौन किस पे ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है। तो ये हम दोनों ही कोर्स आपको सिखाएंगे, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों के ही डिमांड है और आप इनको लेके चल सकते हैं। अब होलसेल ड्रॉप शिपिंग हम इस कोर्स में करवाएंगे, होलसेल भी सिखाएंगे आपको, ड्रॉप शिपिंग भी सिखाएंगे, और अकाउंट के ऊपर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिखवाएंगे कि अकाउंट है फिजिकल अकाउंट पे आपको एक एक चीज़ें दिखा के आपको सिखाएंगे, और ए टू जी अकाउंट मैनेज आपको सिखाएंगे कि आपने एक शुरू से लेके प्रोडक्ट हंटिंग से लेके आपने टोटल ऑर्डर मैनेजमेंट, आपने अकाउंट हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें क्लाइंट हैंडलिंग, आपने सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे इस कोर्स में। और ये भी बताएंगे कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अपना सेलर सेंटर अमेजोन पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक कंपनी चाहिए होती है, यूके के लिए LTD होती है लिमिटेड कंपनी, और यूएसए के लिए आपको लिमिटेड लायबल कंपनी जिसे LLC कहते हैं। तो ये आपको बताएंगे कि वो आपने कैसे क्रिएट करवानी है, तो उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें हम गाइड करेंगे। तो ये यहाँ तक ये एक ओरिएंटेशन सेशन था, बाकी मजीद हम जो कोर्स में ये सारी चीज़ें इनको इनका डीप एनालिसिस करेंगे, वन बाय वन आपको सारी चीज़ें सिखाएंगे। एट द एंड एक क्यू ए सेशन है, आप में से जो कुछ लोगों की जो जो क्वेरीज हैं आप वन बाय वन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मोहम्मद शकील, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछे। मोहम्मद शकील उमा शकील, आपका जो क्वेश्चन है पूछ ले, ये अनम्यूट करो पहले खुद को। उमा शकील आवाज नहीं आ रही, जी आ रही है, अब आ रही है आवाज। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। क्वेश्चन ये कोई क्वेश्चन है सर? क्लियर है जी,
सेकंड से आप हमजा असद। ये थोड़ा सा पीआर के बारे में थोड़ा बता दें, इसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग का बताया था ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। प्राइवेट लेबल के बारे में प्राइवेट लेबल के बारे में बता दो थोड़ा सा। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्राइवेट लेबल के बारे में आपको बता दो। जी जी इसमें जो अच्छा हंटिंग और सॉरी आवाज नहीं आ रही यार, इशू प्राइवेट लेबल में कनेक्शन ये का कोई इशू। मैं बताता हूँ। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आप पहले एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ आप अपने माइंड से कुछ क्रिएटिव माइंड लोगों को हो तो वो एक नई प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि लाइक मोबाइल है, यही मोबाइल कोई भी आपके हाथ में है तो आप मोबाइल किसी मोबाइल से आइडिया लेके आप अपने उस मोबाइल को आप अपना नाम दे के आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। कुछ लोग जो है ना फर्नीचर सेल करते हैं, वो फर्नीचर के ऊपर अपना नाम लिख देते हैं। लाइक चेयर्स होती हैं, वो चेयर के ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि फोम है, मल्टी फोम है, तो नाम अपना लिख के उनको सेल करते हैं। अब उससे पहले करते हैं कि एक प्रोडक्ट आपने देख ली, उसका क्राइटेरिया ये होता है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी आ रही है, मंथली सेल्स कितनी आ रही है और उसमें से मुझे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा। ये पैरामीटर देख के देन हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए जो तो बिजनेस करना चाह रहा है उसके लिए दो तरह की प्राइवेट लेबल होता है। एक होता है मिनी प्राइवेट लेबल, वो आपका लोकल भी कर सकते हैं और बाहर से भी आप वो 20-25 लाख में, 30 लाख पाकिस्तानी में भी आप कर सकते हो। उसे कहते हैं MPL, माइक्रो PL या मिनी PL। दूसरी चीज आते हैं PL प्राइवेट लेबल, उसमें ऑलमोस्ट आपका 70-80 लाख इन्वेस्टमेंट हो तो देन वो आप, क्योंकि आपने उसको बल्क में परचेज करना होता है अलीबाबा से, वहां से आप सोर्सिंग करवा के चाइना से आपकी जो मार्केट है USA या UK आप उसमें सेल कर सकते हैं। तो ये होता है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल नॉर्मल बड़ी चीज है, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपने प्रोडक्ट तो उसके आपने अपने सप्लायर को अलीबाबा को बतानी है कि इसकी ये डायमेंशन हो, ये वेट हो, इसका ये कलर हो, ये सारी चीजें आप पहले वो डिफाइन करते हैं, सारी आप सर्च करते हैं। देन उसके बाद आप अलीबाबा को कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चर करके दे, इतने पीसेस आप मैन्युफैक्चर करके दे मुझे। तो क्योंकि आप जितने ज्यादा बल्क में चीज मैन्युफैक्चर करवाते हैं आपको आपकी कॉस्टिंग उतनी ही कम होती चली जाती है और आपका प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो मीन अब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं। मैन्युफैक्चर करने के बाद देन आप उसे, दो आपके पास मेथड होते हैं, एक FBA और एक होता है FBM। आप वो प्रोडक्ट अपने किसी प्राइवेट वेयर हाउस में रख के भी FBM कर सकते हैं, फुलफिलमेंट मर्चेंट, और आप वही प्रोडक्ट मीन अमेजोन में को भिजवा के तो आप प्राइवेट लेबल FBA कर सकते हैं। मीन बिजनेस ब्रांड आपका है लेकिन उसे पिक पैक जो करेगा वो अमेजोन करेगा। देन आपको जब प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है उसके बाद आपने, क्योंकि नया ब्रांड है लोगों को आपके ब्रांड का पता नहीं, आपकी जो लिस्टिंग का पता नहीं है, तो आप पहले क्या एड्स चलाते हैं, कंपेन चलाते हैं सोशल मीडिया पर, उसको कंपेन चेक करा के आप एडवर्टाइज करते हैं इन चीज़ों को और आपके जो ब्रांड देन ऐसा ऐसा उसकी रैंकिंग शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो काम है ये VA के काम होता है। तो रैंकिंग होने के बाद आपको ये बिजनेस बिल्ड करने में 4 से 5 मंथ लग जाते हैं। 4-5 मंथ के बाद आपका बिजनेस जो होता है वो अच्छा खासा ग्रो कर जाता है। तो ये होता है प्राइवेट लेबल में, एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लोग कर रहे हैं प्राइवेट लेबल भी कर रहे हैं और VA अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो ये प्राइवेट लेबल होता है। और कोई क्वेरी, कोई रहेगी क्वेश्चन? हमजा असद वैसे जी जी ठीक है। और ये ट्रेनिंग में इंशाल्लाह हम इसको साथ साथ जो है वो चेक देखते होंगे। ट्रेनिंग में हम जो प्राइवेट लेबल का नहीं सिखाएंगे, ट्रेनिंग में हम जो है वो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग ये दो चीजें सिखाएंगे। ये दो चीजें हम इसमें कवर करेंगे। और मोस्टली ये होता है कि जो सिंपल प्राइवेट लेबल या होलसेल या ड्रॉप सिंपल अलग अलग के लिए अलग अलग वो कोर्स करवाते हैं, लेकिन हम ये क्योंकि पहला बैच है तो इसमें हम जो पहले दो बैच है उनके लिए हमने ये सोचा है कि उनको दोनों चीजें करवाएंगे, ड्रॉप शिपिंग भी और होलसेल में। देन उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेसिफिक एक चीज को लेकर चलेंगे आया कि वो होलसेल को लेकर चलते हैं या ड्रॉप शिपिंग को, तो वो हम आगे जाके डिसाइड करेंगे।
पहले दो बैच वालों के लिए बेनिफिट है कि आप माकूल फीस में आप दोनों चीजें सीख सकते हैं, तो देन आपको किसी तरह का भी क्लाइंट मिलता है, चाहे वो होलसेल का या आपका ड्रॉप शिपिंग का, कोई भी आपको क्लाइंट मिलेगा या कोई भी आपको इंटर्नशिप का चांस मिलता है, तो वो ताकि आप उसको इजिली अवेल कर सके, आपके पास दो स्किल हो जाएंगे। जी उसके बाद अली अकबर, आपका कोई क्वेश्चन? अली अकबर, हैरी गिल, आप आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मैंने पूछना था कि ड्रॉप शिपिंग में हम प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे? प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं। अब जो अमेजोन के कंपटीटर्स होते हैं वो हैं, एक वॉलमार्ट है, ये आपको यूएसए का बता रहा हूँ, वॉलमार्ट है, उसमें सैम्स क्लब है, देन उसके बाद आपका कोस्टको है, होम डिपो है, और वेफेयर है, और जे सीजे है। तो ये आपके और भी डिफरेंट जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, हम उनसे प्रोडक्ट लेंगे। इन ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि लाइक आप मोबाइल की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एक मोबाइल लगा हुआ है, वो अमेजोन पे लगा हुआ है 30,000, 30,000 का। अब आप वही मोबाइल को जाके चेक करेंगे वॉलमार्ट पे कि मुझे वो वहां पे कितने का मिल रहा है, या मुझे सैम्स क्लब से कितने का मिल रहा है, या मुझे होम डिपो या कोस्टको से कितने का मिल रहा है। जिस प्लेटफॉर्म से आपको सस्ता मिल रहा होगा, जिस प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हो रहा होगा, तो वो हम उस प्लेटफॉर्म को, उस सप्लायर को आप यूज करेंगे। अगर तो मुझे वॉलमार्ट से ज्यादा मिल रहा है सस्ता, मेरे प्रॉफिट ज्यादा, तो मैं वॉलमार्ट को यूज करूंगा। अगर वो सैम्स क्लब से मुझे सस्ता मिल रहा है, तो मैं सैम्स क्लब को यूज करूंगा, वो मेरा एक सप्लायर होगा। तो जब मुझे एक कस्टमर ऑर्डर करेगा, मुझे ऑर्डर अमेजोन पे, अब मैं फुलफिल करके, लाइक मैंने वॉलमार्ट से प्रोडक्ट देखी हुई है, जब मुझे कस्टमर ऑर्डर करेगा तो मैं वॉलमार्ट पे ही जाके उसी कस्टमर का वहां पे एड्रेस लगा के ऑर्डर जो है ना वो प्रोसेस कर दूंगा और शिप करवा दूंगा। मीन मेरे पास ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट ना मैंने अपने पास रखी हुई है, ना मैंने अमेजोन भिजवाई हुई है, प्रोडक्ट आपके थर्ड पार्टी के पास, तीसरे सप्लायर के पास पड़ी है। बस आपने प्रोडक्ट लगा दी, जब आपको अमेजोन पे कस्टमर ऑर्डर करेगा, आपने आपका जो अपना सप्लायर है, कोई भी हो, वॉलमार्ट हो, कोई भी, आप वहां पे जाके ऑर्डर प्रोसीड कर देंगे और कहेंगे कि इस एड्रेस पे आप उसे शिप कर दो, तो वो कस्टमर को चली जाएगी प्रोडक्ट। मीन आपने परचेजिंग भी तब करनी है जब आपको ऑर्डर आएगा, उससे पहले आपने परचेजिंग भी नहीं करनी। होलसेल में या प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आपको पहले परचेजिंग करनी होती है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में जब आपको ऑर्डर आता है, तब आप उसकी परचेजिंग करके देन आगे उसे प्रोसीड करते हैं। जी ठीक हो गया। और सर मैंने पूछना था कि इसमें ये भी होता है कि अगर जो हमारा प्रोडक्ट है अगर लेट जाए तो उसमें भी कुछ होता है? नहीं, डिपेंड करता है कि मीन फर्ज करो टाइम आ रहा होता है, जब आप एक ऑर्डर करने लगते हैं ना, तो आपका वहां पे वॉलमार्ट पे या सैम्स क्लब वहां पे आ रहा होता है कि ये प्रोडक्ट इस डेट को पहुंच जाएगी। लेट से कि आपका उन्होंने डेट बताई हुई थी कि मैंने आज ऑर्डर करता हूँ, आज 13 मार्च है, प्रोडक्ट का जो डेट थी वो शो करवा रहा है कि 16 मार्च को पहुंच जाएगी, लेकिन वो प्रोडक्ट एक आध दिन डिले होकर 17 या 18 को पहुंच जाती है। अब उसका मेथड ये है, हम इस कोर्स में ही पढ़ेंगे कि हमने इन चीजों को कैसे टैकल करना है। मीन कस्टमर को हमने कैसे हैंडल करना है, कि हम उसे कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट लेट आ रही है तो आप थोड़ा सा वेट करें, या कि हमने उनको कैसे एक सॉफ्ट मैसेज करके हमने उनको एग्री करना है। तो उसके भी ये सारी चीजें हम इसी कोर्स में ही पढ़ेंगे कि आपने इन सारे जो इश्यूज होते हैं, जो शायद आपने ड्रॉप शिपिंग में सुने होंगे इधर उधर से लोगों से, तो इन सारे इश्यूज का जो हल है वो हम इसी कोर्स में ही आपको एक चीज का बताएंगे। लाइक पैकेजिंग का इशू होता है, या कोई भी लेट शिपमेंट होता है, ये सारी चीजें इनको हम कोर्स में आपको वन बाय वन बताएंगे। बेहतर मेथड ये जी होता ठीक है, हो गया। कि लाइक मेरे प्रोडक्ट मुझे पता है कि ये लेट पहुंच रही है, तो मैं कस्टमर को एक मैसेज कर दूंगा कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपकी जो ये प्रोडक्ट है एक दिन लेट हो रही है, तो प्लीज आप काइंडली एक दिन वेट कर ले, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो मैं आपको रिफंड कर देता हूँ। तो देन आप रिफंड कर देते हैं, वही आप जो है, आप वही वॉलमार्ट से आप अपना पैसे ले लेते हैं, आप इधर से
अपने कस्टमर को रिफंड कर देते हैं। तो ये इस तरह हम इनको सॉल्व करते हैं। और भी काफी टेक्निक्स हैं, डिपेंड्स अपॉन के क्या सिनेरियो उस टाइम। ओके हो गया सर, थैंक यू सो मच। देन शहजाद आपको कुछ क्या सुविधा पूछे? शहजाद ब्लू डी ब्लड लाइन, जी वाह साहब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, क्या हाल चाल है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर ये ड्रॉप शिपिंग के वाले से पूछकर इसके मतलब कुछ बता दें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? तो इसमें क्या अपनी बंदा अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकता है, उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा या क्या क्राइटेरिया उसका? आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, लाइक पाकिस्तान से आप सेल करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। उसका ये क्या नाम है, पाकिस्तान में भी सेल वगैरह स्टार्ट हुई है या नहीं हुई, इसका क्या? नहीं नहीं, पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी जो है वो अपना अकाउंट बना के सेल कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी जो है वो परचेज नहीं कर सकते Amazon से। ठीक है, हम सेल कर सकते हैं, हम अपनी जो पाकिस्तानी ट्रेड है पासपोर्ट को यूज करते हुए। अच्छा जी, तो आप पाकिस्तान में लाइक आप अपना कोई भी प्रोडक्ट है ना, लाइक मैं आपके एक फर्नीचर की चुनियोट के फर्नीचर की एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप अपना एक फर्नीचर को या चुनियोट से लेके आप उसको एक अपना प्राइवेट लेबल बना के तो Amazon पे आप अपना एक ब्रांड लॉन्च करके उसको आप सेल कर सकते हैं, जिसे हम प्राइवेट लेबल कहेंगे। दो तरह के होते हैं, एक होता है मिनी या माइक्रो प्राइवेट लेबल, एक होता है प्राइवेट लेबल। जो माइक्रो पीएल होता है वो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट 25 से 30 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं, वो आप लो का स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा प्राइवेट लेबल जो थोड़ी से ज्यादा बल्क में चीजें आप परचेज करते हो, उसे कहते हैं उसके आपके इन्वेस्टमेंट वो 70-80 लाख मिनिमम होनी चाहिए, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी चीजें भी आप सेल कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल बना के सेल कर सकते हैं। उसके लिए एक और प्लेटफॉर्म भी होता है Etsy, शायद आपने नाम सुनो, Etsy पे आप अपना जो है ना वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप प्राइवेट लेबल भी कर सकते हो, यहाँ से पाकिस्तान से वो प्रोडक्ट आप बेच के आगे सेल कर सकते हैं। ये कोर्स में आपको ये भी बताएंगे कि आपने Amazon पे अकाउंट कैसे बनाना है, पाकिस्तान पे आपने अपनी कंपनी कैसे बनानी है, आपने सारे बिजनेस को लेके कैसे चलना है। तो दोनों लोगों के लिए ये कोर्स होगा, कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई अपने सर्विसेज देना चाहता है, इसके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये दोनों को ही हम ये सारी चीजें सिखाएंगे और ट्रेन करेंगे। और दूसरा है कि ये भी एक रूल होता है कि आपने कोई भी काम करना तो उसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट ही करनी है, तो आपको खुद इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो, ताकि जब आप कल किसी को हायर करोगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो कि इस चीज़ में होती क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हम फॉलो करते हैं, ताकि कोई आपको गेम ना करा सके, टोपी ना करा सके। तो इसलिए आपको ये जानना भी जरूरी है अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। और किसी का ये क्या टाइमिंग होगी क्लास क्या होगा, बंदा फेस टू फेस करना चाहे तो? आप लाहौर में हैं तो फेस टू फेस आप, ये है कि आफ्टर असर जो हमारी क्लासेस होंगी, एक तो हमने सैटरडे को प्लान किया हुआ है कि सैटरडे को आफ्टर 4 to 5 PM, क्योंकि आगे थोड़ी सी गर्मियां आ रही हैं, तो ऑलमोस्ट 5-6, 4:30 जो टाइम है वो वायबल है। और उसके अलावा जो ऑलमोस्ट ट्यूसडे को क्लास होगी, ट्यूसडे की असर के बाद या इवनिंग से पहले या देन सैटरडे को, एक सैटरडे का दिन फाइनल है और बाकी जो है ना वो देख लेंगे कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए फिजिबल है, तो उस हिसाब से हमको शेड्यूल कर लेंगे। यानी कि वीक में एक या दो दिन ही होगी क्लासेस? दो दिन क्लासेस होंगी वीक में, दो दिन का कोर्स जी, दो मंथ का, वीक में दो क्लासेस हुआ करेंगी
और देन जो दरमियान में 2-3 दिन आपके गैप होगा वो आपको टास्क दिया करेंगे, असाइनमेंट देंगे, तो आप जो 2 दिन होंगे उसमें आप वो टास्क किया करेंगे, और जब जब नेक्स्ट आपकी क्लास होगी तो वो आपको वो आप दिखाएंगे और हम आगे नेक्स्ट जो है लेक्चर उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है, जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे और अपनी उतनी ही आपकी ग्रिप ज़्यादा होगी। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। और जिन लोगों ने ये कोर्स के लिए करना है तो ग्रुप में आप अपना एनरोल करवा दें, और आपको बाकी जो है ना हमारी जो कोऑर्डिनेटर है मायरा इकबाल, वो आपको सारा गाइड कर देंगी, वो आपको प्रोसीजर बता देंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई एनी अदर क्वेरी? किसी का कोई क्वेश्चन? और एट द एंड के आज के दौर में जैसा कि इतनी टफ टाइम चल रहा है, महंगाई अरूज पे है, और आने वाला जो टाइम है ना वो डिजिटल टाइम दौर है, मीन लोग जो के जो फिजिकल जॉब्स है वो अब कम होती जा रही हैं, अब जो नेक्स्ट टाइम है वो सारा ई कॉमर्स का ही है, और क्या जो आपकी जो होम बेस्ड काम होगा, वर्क फ्रॉम होम काम होगा, अब लोग जो है ना उनका ये है कि अब एक काम जो है आप एक बंदे को बगैर हायर अपने पास रखे, उसको अपनी जगह दें, या आप इतनी सैलरी आप पूरे पूरे मंथ की दें, लोग क्या कर रहे हैं कि आप उन्होंने वर्चुअल असिस्टेंट डायरी किए में जिनको वो टास्क बेस भी रख लेते हैं, या उनको वो एक पूरा काम दे देते हैं ताकि उनको ये जो फिर डेली की ये रूटीन है उनसे उन जान छुड़ाई जाए, और उनकी और जो गोरे हैं वो पाकिस्तानी इसीलिए हायर करते हैं क्योंकि पाकिस्तान वाले जो है ना वो बहुत सस्ती अपनी सर्विसेज देते हैं, लाइक हम जो कि मंथली जो काम करेंगे वो 250 से 300 डॉलर या $200 में काम करेंगे, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 40-50 हज़ार पे, लेकिन अगर वो गोरे वही जो हैं वो यूएसए से काम करवाएं तो वो उनको ऑलमोस्ट हमारे पाकिस्तानी रुपीज के हिसाब से 1.5-2 लाख रुपया पड़ता है, तो इसलिए वो है यहाँ से पाकिस्तान से जो है ना वो वीएस को हायर करते हैं और उनको काम देते हैं, और उनसे टास्क बेस भी काम करवाते हैं और मंथली बेसिस पे भी काम करवाते हैं, और पाकिस्तान में भी तो अब क्योंकि सेलिंग लो है तो हम पाकिस्तान के पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो अब तो पाकिस्तान में भी लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं कि आपको गोरों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना खुद चला सकते हैं। उसी चीज ये है कि जब आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जब उनको पता चलेगा कि इस बंदे ने भी इस चीज का कोर्स किया हुआ है, तो लोग खुद आपके पास इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में जस्ट एक ऑनेस्ट बंदे की और स्किल्ड बंदे की कमी है, अगर आपके पास स्किल होगा और एक आप ऑनेस्ट हैं और हार्ड वर्किंग है तो लोग आपके पास खुद ही आपके पास आएंगे कि ये मेरे पैसे लो और इस बिजनेस करो और मुझे अर्न करके दो और खुद भी कमाओ, तो हमारे जो मेंटोर है उनके बकौल के कहते हैं कि जब आपको एक स्किल आ जाती है, जब आप काम करते हैं तो एक रेडी वाला एक पान शॉप वाला भी आपको निकाल के दे देगा, ये लो मेरे 5 लाख लो, ये मेरे 10 लाख लो, और आप इस पे काम करो और बिजनेस करो, तो मीन कोई इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं है, जस्ट आप एक स्किल सीखें, कोर्स सीखें, देन आप अपने थोड़े से पैसे में 1.5 से 2 लाख में भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, अगर आपको कोई लाइक क्लाइंट नहीं मिलता या कोई लेट हो रही होती है तो देन आप अपना खुद का भी 1.5-2 लाख में जिनके पास अगर जो कर सकते हैं तो 1.5-2 लाख में वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, नहीं तो सर्विसेज तो दे सेल करनी ही है आपने, वो तो कभी खत्म नहीं हो सकती, तो मीन दोनों ही आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगी, और दो आपको स्किल सिखा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग और होलसेल, तो आप किसी भी स्किल पे काम कर सकते हैं, तो ये इसके लिए आपका बेनिफिट है, और पाकिस्तानी जो है ना वो मिनिमम आप 15 से 20 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी आप पार्ट टाइम, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जब कॉलेज या स्कूल से वापस आएंगे तो शाम टाइम आप जब फ्री होते हैं 2-4 घंटे दे के आप अपना काम कर सकते हैं, अगर कोई जॉब होल्डर है तो वो भी शाम टाइम फ्री टाइम में वो अपना काम कर सकता है, अपने सर्विस दे सकता है, तो इसके टाइम लिमिट नहीं है, टाइम फ्लेक्सिबल है, जब आप फ्री हो आप लैपटॉप ओपन करें और काम करना शुरू कर दें, तो ये इसका ये सबसे बड़ा अच्छा है। किसी को क्वेश्चन रहता है तो पूछ लें, नहीं फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। हेलो।
जी सर, मैंने पूछना था अगर किसी का पासपोर्ट नहीं है तो अदरवाइज वैसे अकाउंट बन सकते हैं? बन जाता है सीएनआईसी पे, लेकिन ये होता है कि आपको ना यूएसए में या यूके में आपको कंपनी बनवानी होती है, तो कंपनी के लिए आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। तो पासपोर्ट बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पासपोर्ट वैसे 3,000 में बन जाता है अगर आप 5 साल का बनवाए ना, क्योंकि मैंने अपना बनवाया है, तो वो 3,000 में आपका नॉर्मल 10 से 15 दिन में आपका पासपोर्ट बन जाता है। और कुछ भी आपका कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, जैसे आपने सीएनआईसी लेके जाना है तो आप सीएनआईसी लेंगे, आपसे 3,000 बैंक में फीस जमा करवानी और आपका पासपोर्ट 12 दिन बाद बन जाएगा। ओके पासपोर्ट की इतनी ज्यादा फीस नहीं है। जी। और सर, ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ती है, कुछ आइडिया बता देंगे ड्रॉप आप? शिपिंग में आपका जो है ना दो सिनेरियोज है। एक होता है कि आप यूके में करना चाहते हैं तो आपको कंपनी बनवानी पड़ती है, तो वो आपका 50 से 60 हजार वो कंपनी का, और उसके बाद आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मीन आप 1.5 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, करने को आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 40-50 से आप इसमें रख दें कंपनी का लगवा लें, और 50 हजार आप अपने अकाउंट में रखा लें परचेजिंग के लिए। मीन करने को आप मिनिमम 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन 1.5-2 लाख हो तो वो थोड़ा सा बेहतर होता है। मिनिमम आपका 1 लाख हो, आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जी ड्रॉप ठीक शिपिंग हो बहुत गया बेहतर सर, है। थैंक यू। जी ठीक हो ताहिर गया, आई थैंक यू थिंक सो मच सर। वेलकम वेलकम प्रॉब्लम। ताहिर ने आई थिंक अभी अभी ज्वाइन किया जब एक मीटिंग एंड हो रही है। चलें जी, थैंक यू सो मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। और किसी ने ज्वाइन करना है कोर्स का तो वो ग्रुप में मायरा है, हमारी कोऑर्डिनेटर है, आप उनसे कांटेक्ट करें, ग्रुप में मैसेज कर दे, तो वो आपको आगे सारे जो प्रोसीजर समझा देंगी। और नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस है फिजिकल या ऑनलाइन, वो हमारी ट्यूसडे को इंशाल्लाह पहली क्लास होगी। आज संडे है, मंडे छोड़ कर ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। तो आप खुद ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली में किसी को या आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जरूर उनको ज्वाइन करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान में हमें जो स्किल बंदे कम हैं और हमें जो स्किल सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और गौरव से आप जितना पैसा कमाएं उतना ही कम है, क्योंकि आप जितना डॉलर पाकिस्तान में लेके आएंगे हमारी इकोनॉमी के लिए भी फायदा और हमारा अपना भी फायदा है। तो जितना आप गौरव से पैसा ले सकते हैं निकाल सकते हैं निकालिए, तो आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, कोई इसका नुकसान नहीं है। पता नहीं आप लोग डिफरेंट लोगों के व्यूज होते हैं, लेकिन आप कोर्स सीख लेंगे तो इनशाला आप, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप जॉब करें या फ्री हैं, तो आप इनशाला 3 से 4 कोर्स के बाद ही, आप ज्यादा अगर लग के चाहिए तो आप फौरन ही ज्वाइन कर लेंगे, आपको कोई ना कोई अर्निंग शुरू हो जाएगी। नहीं तो इनशाला 2 मंथ कोर्स के बाद आप 1 मंथ इंटर्नशिप करेंगे और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जब मैंने कोर्स किया था ये चीजें सीखी थी, मैंने कोर्स के दरमियान ही मुझे क्लाइंट मिल गया था, और मैंने कोर्स के 1 मंथ से ही पहले पहले मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपकी लक पे, या आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, या आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है। चलें जी, आज की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। आप सब लोगों का ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह देन आपसे जल्दी ट्यूसडे को मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।